बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको सिंध प्रेजेंट डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस की गई जॉब के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि आप उसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि कोई अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट जॉब की वीडियोज और इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे aboutjob.com सर्च करना है। जैसे ही हम aboutjob.com सर्च करते हैं तो वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाता है। मैं इस होम पेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेन वेबसाइट मुकम्मल डिटेल्स के साथ ओपन हो जाती है। तो दोस्तों हमारी मेन वेबसाइट के ऊपर ही सिंध प्रेजेंट डिपार्टमेंट जॉब्स 2022 दी गया। उसके अलावा गवर्नमेंट की कैटेगरी में जॉब मौजूद होगी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई ये जॉब है। मजीद ये कि डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दिया जाएगा ताकि आपको जॉब ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जॉब मुकम्मल डिटेल्स के साथ ओपन हो जाती है। सिंध प्रेजेंट डिपार्टमेंट जॉब 2022 यानी महकमा जेल जात सिंध। तो दोस्तों ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई, ये आपने मुलाहिजा कर लेनी है। अवेलेबल वैकेंसीज अगर आसामियों की बात की जाए तो 1335 आसामियां हैं, यानी आसामियों की तादाद 1335 है। उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, मैट्रिक क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जॉब के स्टेटस की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से अनाउंस की गई ये जॉब है, यानी गवर्नमेंट की ये जॉब है। उसके बाद जेंडर मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिटेशन अगर उम्र की हद की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 28 साल तक उम्र वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गिवन पोस्ट, अगर गिवन पोस्टों के मुतालिक मैं आपको बताऊं तो प्रेजेंट कांस्टेबल मेल, उसके बाद लेडी प्रेजेंट कांस्टेबल, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेल कांस्टेबल यानी हाइट इनकी 5 फीट और 5 इंच होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट 35 इंच विद 1.5 इंच एक्सपेंशन, रनिंग 1600 मीटर 7 मिनट्स में। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फीमेल यानी हाइट इनकी 5 फीट होनी चाहिए। उसके बाद रनिंग 800 मीटर 14 मिनट में। एड्रेस ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन पीर इलाही बख्श रोड मुस्लिम आबाद कराची, यानी ये वो एड्रेस है जिसके ऊपर आपने डाक करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। तो दोस्तों सिंध प्रिजन डिपार्टमेंट जॉब 2022 का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट पेपर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो न्यू टैब में एडवर्टाइजमेंट पेपर मुकम्मल डिटेल्स के साथ ओपन हो जाता है। तो दोस्तों टाइटल ऑफ पोस्ट प्रेजेंट कांस्टेबल यानी मेल, इसका नंबर ऑफ गिवन पोस्ट 1258। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हाइट के मुतालिक भी यहाँ बताया गया है 5 फीट 6 इंच, चेस्ट 33 इंच, 1.5 इंच एक्सपेंशन। और इसी तरह जो एज की लिमिट की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 28 साल तक, ये पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद टाइटल ऑफ पोस्ट लेडी प्रिजन कांस्टेबल, नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 97। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन। लास्ट डेट टू अप्लाई यानी अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 22 अगस्त 2022 है। हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया। जैसे मैं इसके लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाता है। तो फॉर्म फिल करने का मैं मुकम्मल तरीका आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया, ये मैं फिल करने का आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ। तो इस बॉक्स में आपने अपनी हालिया तस्वीर लगानी, यानी लेटेस्ट जो फोटोग्राफ आपकी पासपोर्ट साइज वो आपने इधर लगानी है। उसके बाद फुल नेम कैपिटल वर्ड्स में इन बॉक्सेस में आपने अपना फुल नेम लिखना है और नीचे वाले बॉक्सेस में आपने अपने फादर का नेम लिखना है यानी कैपिटल वर्ड्स में। उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल जो भी आपने सिलेक्शन करनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स में आपने अपना CNIC नंबर लिखना है और नीचे वाले बॉक्स में भी आपने अपना CNIC नंबर दोबारा लिखना है। तो दोस्तों इस बॉक्स में आपने अपना फोन नंबर लिखना है, नीचे वाले बॉक्स में कोई दूसरा फोन नंबर तो उसके मुतालिक आपने उन्हें मालूमात फराहम करनी है। तो दोस्तों ईमेल एड्रेस, इस बॉक्स में आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। तो नीचे परमानेंट एड्रेस यानी जो आपका मुस्तकिल रिहायशी पता है तो वो आपने इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस यानी डोमिसाइल जिस सूबे का है आपने वो सूबे का नाम लिखना है। उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट यानी जो आपका जिला है उसके मुतालिक आपने लिखना है। तो रिलीजन, यहाँ से आपने रिलीजन की सिलेक्शन करनी है। और दोस्तों ये दिया गया डिसएबिलिटी, अगर कोई माजूरी है तो यस वरना नो के ऊपर आपने टिक करना है। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, प्राइवेट सर्विस है या जॉबलेस हैं, जो भी है तो आपने उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस बॉक्स में भी आपने टिक करना है। उसके बाद डिजायर्ड टेस्ट सेंटर,
यानी टेस्ट सेंटर की आपने सिलेक्शन करनी है, जो भी टेस्ट सेंटर आपको करीब लगता हो, ईस्ट कराची, वेस्ट कराची, सखर, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, जो भी टेस्ट सेंटर आपको करीब लगता हो, तो उस टेस्ट सेंटर की आपने सिलेक्शन करनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिलेक्शन डाटा, तो दोस्तों यहाँ आपने अपने क्वालिफिकेशन के मुतालिक मालूमात फराहम करनी है। SSC मैट्रिक ओ लेवल यानी मैट्रिक की डिग्री के मुतालिक आपने लिखना है, उसके बाद जिस साल आपने पास किया वो लिखना है, उसके बाद ऑब्टेंड मार्क्स, टोटल मार्क्स, जो परसेंटेज आपके बनती है नंबरों की, और डिवीजन यानी कौन सा ग्रेड है आपका, और बोर्ड या इंस्टीट्यूट के मुतालिक लिखना है। अगर आपकी FSC यानी HSSC है तो उसके मुतालिक आपने लिखना है, डिग्री का नाम, उसके बाद पासिंग ईयर, ऑब्टेंड मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, उसके बाद बोर्ड या इंस्टीट्यूट, यानी वही तरीका कार आपने नीचे दोहराते जाना। अगर आपकी बैचलर की डिग्री है या मास्टर की जो भी है तो अच्छी बात है, आपने उनके मुतालिक मालूमात उन्हें फराहम करनी है। तो दोस्तों अंडर के टेकिंग बाय द कैंडिडेट, यहाँ कैंडिडेट ने अपना नेम और फादर नेम लिखना है, उसके बाद इस बॉक्स में आपने अपनी तस्वीर लगानी है, डेट एंड लेफ्ट एंड राइट थंब इंक इंप्रेशन, तो कैंडिडेट ने अपने यहाँ दोनों अंगूठे लगाने हैं, उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर यानी कैंडिडेट ने यहाँ अपने अपने सिग्नेचर करना है और अपना नेम उर्दू में लिखना है। तो दोस्तों ये इसका चालान फॉर्म आ गया। चालान फॉर्म फिल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं, मोबाइल पैसे से पे कर रहे हैं या बैंक पे कर रहे हैं, तो आपने सिलेक्शन करनी है, उसके बाद बैंक आप HBL बैंक में भी चालान पे कर सकते हैं, उसके बाद UBL बैंक में भी चालान पे कर सकते हैं। तो यहाँ आपने ब्रांच का नेम लिखना है, ब्रांच कोड लिखना है, और पेमेंट डेट यानी जिस डेट को आप चालान पे करें तो उसके मुताबिक आपने लिखना है। उसके बाद दोस्तों चालान फिल करना आपने इस तरह है कि एप्लीकेशन फुल नेम यानी आपने अपना पूरा नाम लिखना है, नीचे फादर नेम, इस बॉक्स में मोबाइल नंबर, और नीचे CNIC नंबर। तो दोस्तों यहाँ एप्लीकेशन अपने सिग्नेचर करना है, तो बैंक वाले यहाँ स्टैंप लगाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह नीचे भी आपने यही अमल दोहराना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फीमेल यानी फीमेल का एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी तरह फिल होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी हो तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।